भाई, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, और ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर तुम्हें बेसिकली इस चीज में निकालने में हेल्प करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली है कहाँ पर। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें बताया था, मान लो तुम उत्तराखंड गए, उत्तराखंड में एक होटल है या बहुत सारे होटल है? अरे उत्तराखंड में एक होटल है या बहुत सारे? एक है। देखो एक, हाँ वेरी गुड, तुमने बनवाया होगा ना। ठीक बहुत है, तो सारे तुम बहुत सारे होटल है, बहुत सारे होटल में मान लो बहुत सारे रूम भी तो होंगे। मान लो एक होटल में गए तो मान लो बहुत सारे रूम भी हैं। अब अगर मान लो तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड वहां पर जाके छिप गया है और तुमको बोल रहा है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, तो और उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया, ना तुम्हें उसने होटल बताया ना होटल का रूम नंबर बताया, तो क्या सर्च करना आसान होगा तुम्हारे लिए? क्या सर्च ये करना कैसा आसान सवाल होगा? है सर? वो खुद छुपा, फिर वो खुद ही मदद मांग रहा, पागल है क्या सर वो? ये बहुत अच्छा जवाब था। ठीक है, उसको जो वो छिपा नहीं, उसको आतंकवादियों ने पकड़ लिया। ठीक है, छुपा दिया उसे। अब वो आतंकवादी तुमसे कह रहे हैं कि हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ, तो अब ये वाली बात है। तो तुम बताओ क्या आसान होगा, उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, तो इसका मतलब तुम नहीं नहीं ढूंढ पाओगे। तो अब वही वाली बात है कि अगर तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन को ये देखना है कि वो पर्टिकुलरली है कहाँ पर, तो मैं ना ये कि हेल्प लोगे, राइट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो अब वही हमारे पास यहाँ पे है कि हम हेल्प के जरिए फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिकली राइट नाउ है कहाँ पर। तो उसी चीज की लोकेशन, उसी चीज की पोजीशन पता करने के लिए क्या हमने क्या बनाया हुआ है, ये क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, तो कोई इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कहाँ पर छिपा है तो उसको पता करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, क्वांटम नंबर्स का। अब एक बात तुम्हें मैंने पहले बता रखी है, एस के अंदर कितने रूम होते हैं, एक ऑर्बिटल बोलते हैं इसे। ठीक है, ये पी सबशेल है, इसमें कितने ऑर्बिटल होती हैं, तीन। ये डी सबशेल है, इसमें कितनी ऑर्बिटल होती हैं, पांच। और एफ का मतलब कितनी कितने रूम होते हैं, कितनी ऑर्बिटल होती हैं, सात। रिमेम्बर दैट पीपल। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तो बहुत टफ है, हम क्या करें, हमने तो चलो ले तो लिया, लेकिन ठीक है। अब हमारे पास जो क्वांटम नंबर है, देखो वो क्वांटम नंबर है मेरे पास चार। उन चार क्वांटम नंबर की हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को पहचान सकते हैं कि वो कहाँ पर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वांटम नंबर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीम्यूथल। तो उसका नाम दो। हाँ अभी लिखवाएंगे। ये तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चार क्वांटम नंबर की हेल्प से हम बेसिकली क्या निकाल सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन अभी राइट नाउ कहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कितने क्वांटम नंबर के जरिए निकाल सकते हैं, चार क्वांटम नंबर के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, जिसका नाम है मेरे पास प्यारे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही है सर? सर ये प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल सेकेंड सर, ये प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल नहीं है जो आप सोच रहे हैं सिद्धांत, ये प्रिंसिपल प्रिंसिपल ही है। ठीक है, सर मैं सर पूछ रहा हूँ सर। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। देखो अब ये है क्या, सबसे पहले हम देखो सबसे पहले अब मुझे बताओ, तुम्हारे दोस्त को ढूंढने के लिए निकले हो, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट तो पता करोगे ना कि उत्तराखंड में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, नहीं आया समझ? हाँ सर, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर ये पता करोगे कौन से होटल में, होटल के बाद फिर ये पता करोगे कौन से वाले रूम में है, और रूम में पहुंचने के बाद तो उसे कर ही दोगे धप्पा। ठीक है, तो इसका मतलब किसके थप्पड़ लगाई है, आवाज आई बड़ी तेज, कोई थप्पड़ मार रहा है क्या अपने आप? कोई बात नहीं, मार एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ठीक है, तो मैं किसी से नींद आ गई है ना उनको पढ़ते पढ़ते, तो एकदम उसने थप्पड़ मारा अपने की साइंस क्लास है, सुना नहीं है। हाँ, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है मेरे पास एन, तो इसका मतलब है ये क्या रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे पास, शेल को। सबसे पहले तो एटम के अंदर भी शेल में ही तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले तुम्हें क्या रखना है, ये मेरे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करता है प्यारे प्यारे बच्चों, शेल को रिप्रेजेंट करता है। क्या कोई जीरो शेल हो सकती है? जीरो शेल नहीं, जीरो शेल कैसे हो सकती है नहीं भाई, या तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, जिसको तुम बोलते थे 9th क्लास में KLMN, याद आया? तो वो ही है ये एन। देखो अगर तुम्हारे पास एन इज इक्वल टू वन आया तो इसका क्या मीनिंग है, वो कौन सी शेल के अंदर है, सर। फर्स्ट शेल के अंदर है। अगर मैं बोलू एन इज इक्वल टू टू आया तुम्हारा तो वो कौन सी शेल के अंदर है, सेकेंड शेल। थर्ड शेल के अंदर आया तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये तो बहुत बच्चों वाली बात है भाई यार, ये तो केजी का बच्चा जानता है।
कि तीन के लिए तीन और फोर के लिए फोर, कैसे ही पूछना तुरंत बता देगा। तो ये हो गया फोर सेट, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट है इसके अंदर? कार्तिक, अच्छा संकल्प, संकल्प तुम तो जानते हो पीयूष सर को? यस सर। वैसे पीयूष के बेबी हो गया पता है ना, और बेबी को पता है ये बात पहले से ही पता था। ये बात उस बेबी ने सबसे पहले यही बोला कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मींस इट इज फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल फोर्थ सेल, कुछ भी सब कुछ भी कुछ भी नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ यार। सर अच्छा हुआ ये नहीं बोला कि मेरी शीट मत फाड़ देना। तो सबसे पहले उसने यही बोला कि देयर आर फोर टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एज़ीमुथ, मैग्नेटिक एंड स्पिन। आई एम नॉट जोकिंग, तुम समझ नहीं सकते कुछ भी, सेम यही था, भगवान भी आते हैं। तो फिर वो उदास भी हो गया कि सबसे पहले तो मॉम डैड बोलना चाहिए था, लेकिन उसने तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ ऐसे ही होना है, ठीक है। तो चलो ये हमारे पास तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे पास n इज इक्वल टू 3 आया, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है? थर्ड शेल। थर्ड शेल में। लेकिन लेकिन भाइयों बहनों, तुम्हें क्या ये बात पता चली कि वो थर्ड शेल के अंदर कौन सी वाली ऑर्बिटल में है? नहीं सर ये नहीं पता चला। क्योंकि तुम्हें पता है ना थर्ड शेल के अंदर एस बी होता है, पी बी होता है, डी बी होता है। सोचो याद है ना, वन एस, वन के अंदर एस होता है, टू के अंदर एस और पी दोनों होता है, थर्ड के अंदर एस पी डी तीनों होता है, और फोर्थ के अंदर एस पी डी एफ चारों होते हैं। तो अब किसके अंदर है, कौन सी सब शेल के अंदर? नहीं है, ठीक है। तो अब इसी चीज को दूर करने के लिए कौन आए हमारे पास? दूसरे सर आए, जिनका नाम था एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला कि अब आप शेल में तो आ गए हैं प्यारे प्यारे बच्चों, अब शेल के बाद आप ये पता कर लें कि वो कौन सी वाली सब शेल के अंदर है। आपने डिस्ट्रिक्ट तो पता कर लिया, अब आप ये भी पता कर लें कि कौन से होटल में वो रुके हुए हैं। तो देखो अब ध्यान रखना, अगर मान लो एस के लिए है, एस है ना सब शेल, अगर एस के लिए, देखो इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर को, अगर एस के लिए देखा जाए तो एल की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। सारे बच्चे ध्यान सुनना, P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 1। D के लिए L की वैल्यू होती है 2, और F के लिए L की वैल्यू होती है 3, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये याद करना है, तो प्रिंसिपल वाला 0 से स्टार्ट होता है, ये वाला प्रिंसिपल वाला 1 से स्टार्ट होता है, और एज़ीमुथ वाला 0 से स्टार्ट होता है। अब अगर मान लो इन दोनों चीज को देखते हुए, मान लो अगर मैं तुमसे अभी सिर्फ इतना चीज पूछ लूं, n इज इक्वल टू 2 और L is equal to 1, तो जरा बताना वो इलेक्ट्रॉन किस किस के अंदर प्रेजेंट है? P। N, N मतलब सेकंड। इसका मतलब कहना ही से वो 2P के अंदर है। Yes sir। याद आया ना, 1s, 2s, 2p, वो इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर है। याद आया कुछ? क्योंकि 2 का मतलब शेल और L 1 का मतलब P सब शेल, तो इसका मतलब वो 2p के अंदर प्रेजेंट है। Yes or no everybody? Yes, sir. अच्छा मान लो अगर n ये 3 होता और ये l 2 होता तो सर एक और बात समझा दो, 3d, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट है? 3d के अंदर प्रेजेंट है। हाँ हाँ श्योर श्योर, कौन थी वो प्यारी प्यारी बच्चे जो कह रही है सर, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? वैष्णवी, वेरी गुड। स्लेजिनेला, ओके सर आपने वो नहीं डाला स्टेटस। अच्छा मैं भूल गया यार, मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है मेरे पास, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में देखो मैंने क्या बोला है, अगर n इज इक्वल टू 1 है इसका मतलब पहली शेल होता है, n इज इक्वल टू 2 है तो सेकंड शेल होता है, 3 होता है तो थर्ड शेल, 4 होता है तो फोर्थ शेल, ऐसे चलता रहेगा। हाँ सर मेरे एक सवाल था सर, एक सेकंड रुको, अभी तुम्हारा सवाल लेंगे, तुम चुप हो जाओ एक मिनट। ऐसे मेरे पास एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर है l, अगर l इज इक्वल टू 0 आता है इसका मतलब वो कौन सी सब शेल में है? s में। n इज इक्वल टू 1 आता है तो कौन सी सब शेल में है? p में। n इज इक्वल टू 2 है तो कौन सी सब शेल में है? d में। और n is equal to 3 है तो कौन सा सेल में? f में। सब कुछ लिखा हुआ है सामने यार, मेरे को पता नहीं, मैं जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूँ, बताओ सब कुछ सामने है। हाँ अब एक सेकंड, हाँ बोलो सर, कहाँ गए? सर एक तो मेरा ये सवाल था सर कि सर अगर मैं ऐसी शेल बढ़ाता जाऊं एक टाइम आएगा कि z हो जाएगी शेल। अबे नहीं नहीं नहीं, क्यों, हम इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी वाइज भरते हैं, एनर्जी वाइज, तो याद है ना वो p के बाद चेंज हो गया था। अच्छा याद आया, तो हाँ। इस तरीके से वो होता है कि कभी हम Z Y तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि इतने एलिमेंट ही नहीं आए अभी तक।
ठीक है, एनर्जी वाइज बढ़ते बढ़ते ना तो वो पहले ही आ जाते हैं इतने सारे कि वो कभी कंडीशन आ ही नहीं पाती। हाँ सर, अच्छी बात है सर। ये तो सर मैं ये कह रहा था सर, ये क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, मतलब कौन कैसा नंबर है सर? तो मैंने बताया था ना कि क्वांटा होता है, पैकेट्स के फॉर्म में कुछ होता है एनर्जी का, तो हम एक्चुअली इसी चीज को लेके मेरे पास क्वांटम नंबर ही आए हैं। क्वांटम नंबर जो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताए, उसी चीज का लेके हमने क्वांटम को नाम रखा हुआ है पूरा, क्वांटम नंबर्स। तो इसीलिए बस नाम रख दिया है क्वांटम नंबर, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को डिफाइन करवाते हैं, तो वो इसलिए नाम रखा है इसका क्वांटम नंबर। चलो भाई, तो मैं क्या कह रहा था कि मेरे पास L0, 1, 2, 3 है। हाँ वैष्णवी, मैंने तुमसे बोला कि मेरे पास n इज इक्वल टू 2 है, तो जरा बताना वो कौन सी शेल में है इलेक्ट्रॉन। सर पांचवी या छठी? सर दोनों ऐसे किसी में भी नहीं, तो दूसरे शेल में होगा ना। हाँ सेकंड शेल में होगा, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? अभी तो बताया मैंने कि एक बच्चा तुरंत बोलता है 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 3, उसमें भी टाइम लग गया। अच्छा कैलकुलेट, 2, 2 का मतलब 1, 2, 2, ठीक है, तो इसका मतलब वो सेकंड शेल में है। अब सेकंड शेल के अंदर तुम्हें पता है कि या तो एस होगी या पी होगी, भाई 2s और 2p तो होता है, 2d तो मैंने बताया ही नहीं था, देखो चेक करो, मैंने बताया था ना 2d तो होता ही नहीं है, 2s या 2p होता है। तो देखो अब मान लो तुम, अब तुम्हें एल दे रखा है, मान लो एल की वैल्यू जो दे रखी है 1, तो L1 का मतलब क्या होता है जरा बताओ वैष्णवी। सर पी। इसका मतलब वो सेकंड शेल के पी के अंदर प्रेजेंट है, तो कैन आई से 2p? Yes, sir. ये तो समझाया था मैंने, पेरी पेरी बच्ची। हाँ, सर आ गया। ठीक है सर, अब मान लो मुझे समझ नहीं आया ये वाला सर। मतलब तुम्हें पहले समझ में आ गया था और जब मैंने उस चीज को दोबारा रिपीट किया तो तुम्हें समझ नहीं आया। सर ऐसा क्या सकते हैं? कोई बात नहीं, इस बार तुम्हें रामनाथ कोविंद जी के साथ मोदी जी भी अवार्ड देंगे, वो कहेंगे ना मेरे जैसा ये, तो कोई बात नहीं आओ। ठीक है हाँ। तो चलो अब हमारे पास क्या है, कोई बात नहीं कार्तिक, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। हाँ देखो अब मेरे पास n इज इक्वल टू दे रखा है 3, ठीक है कार्तिक, अब कार्तिक बताएगा कोई नहीं बोलेगा, और मेरे पास l इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा है, ये भी मान लो तुम्हें दे रखा है 3 दे रखा है, तो जरा मुझे एक बात बताओ ये कौन सी शेल के अंदर प्रेजेंट है अभी। सर ये तो हार्ड वाला दे दिया सर, से एक एक दो कर देते सर। अरे पहले बताओ कौन सी शेल में प्रेजेंट है। सर ये थर्ड शेल में प्रेजेंट, थर्ड शेल में प्रेजेंट है, ठीक है, तो अब ये बताओ कौन सी, अब थर्ड शेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एस होती है, पी होती है, डी होती है, एफ होती है। F है, अब एल इज इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब एफ हो गया, तो ये हो गया 3f। अब जरा खुद सोचो क्या 3f ऑर्बिटल होती भी है या नहीं। सर होती होगी, चेक करो एक बार। नहीं होती, फर्स्ट शेल में एस होती है, सेकंड शेल में एस और पी होती है, थर्ड शेल में एस पी डी होती है, फोर्थ शेल में आती है एफ, तो ये तो एक ऐसा है, तो इसका मतलब आतंकवादियों ने तुमको एक ऐसा नंबर दे दिया जो है ही नहीं, कह दिया आजा वहां पे, आजा पौड़ी पे, पौड़ी वहां पे है ही नहीं, कोई पौड़ी नहीं है वहां पे, पागल बना दिया तुमको, ठीक है, और तुम बन भी गए, ठीक है, तो ये नहीं है पॉसिबल। फिर तुमने दोबारा कॉल लगाया कि बदतमीजी करता है हमारे साथ, ठीक है, नहीं आया समझ में किसी को भी। आ गया। हाँ बोलो सर। मैम यस मैम, सर जो एल होता है वो एन माइनस वन होता है ना। हाँ बोल सकते हो, आएगा वैसे वो भी, बिल्कुल बोल सकते हो कि जो हमेशा मतलब L होता है वो हमेशा N से कम होता है, लेकिन N से और भी तो कम हो सकता है ना मैम, ठीक है, जैसे कि अभी तुमने बोला कि हमेशा कम होता है, ठीक है, उसकी वो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना, वो उसकी मैक्सिमम, अभी तुम लोगों को समझ नहीं आएगा क्या बोल रही है ये, सिर्फ इसके मेरे बीच की बात है, तो एक वैल्यू कम होती है वो मैक्सिमम की बात चल रही है, क्योंकि L को मैं 0 भी लिख सकता हूँ, मान लो जैसे अभी n इज इक्वल टू 3 है, तो तुमने बोला कि सर L हमेशा 2 माइनस 1 होता है, वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कि वो 2 तक जा सकता है, लेकिन 0 भी तो हो सकती है, यस और नो सर? ठीक है हाँ, सर फोर्थ शेल के बाद फिर तो इक्वल भी हो सकती है। कैसे? क्योंकि फोर्थ शेल के बाद सबके पास SPDF होता है ना, तो फिर तो भी वो, नहीं, 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 फिर भी नहीं कंडीशन आएगी ना, n f तक ही तो होता है n is equal to 3, ठीक है, एक तो कम ही रहेगा ना मैम, ठीक है। अच्छा तो ये तो हुई मेरे पास, अभी हमने सिर्फ क्या चीजें पढ़ी है, वो डिस्ट्रिक्ट और वो होटल, लेकिन होटल के अंदर कौन सा वाला रूम, क्या तुम्हें वो पता चला? नहीं पता चला। अब आते हैं हम थर्ड वाले क्वांटम नंबर पे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सर मैं ये कह रहा था, अरे मुझे पता था बहुत कुछ कहते हो, वो तो यह कि इतने सारे मन से बात कर लेता तब जाके जो बचता है वो मेरे लिए कहता है कि सर कुछ मैं ही कह रहा था। हाँ बोलिए सर आप।
मतलब मैं ये पूछ रहा था सर, तुम एक काम करो ना, तुम एक काम करो, तुम एक थोड़ा सा ना पर्सनल कोचिंग भी लो, ठीक है? तुम कहते ही रहना, मैं सुनता रहूंगा। मजाक कर रहा हूँ, यस बोलो कार्तिक। चल ठीक है सर, रहने देते हैं सर। तुम चुप हो जाओ, बोलो अब चुपचानी से। सर मैं ये कह रहा था, मतलब सर जैसे चार ब्रांच दे रखी है यहाँ पर क्वांटम नंबर्स की, तो सर हम इसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को फ्लोर नहीं बोल सकते क्या? फिर से बोलना एक बार। सर हमें चार ब्रांच दे रखी है क्वांटम नंबर्स की, जिसमें क्वांटम नंबर डिवाइडेड होते हैं, कैटेगराइज्ड होते हैं सर। तो सर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, हम इसे फ्लोर नहीं बोल सकते डायरेक्ट रूम की जगह? हाँ बोल दो, तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें जैसा एग्जांपल लेना हो, मान लो हम होटल में एंटर कर चुके हैं, हम फ्लोर की बात कर रहे हैं, ये तो मैंने खुद बनाया है, बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग बनाओ। तुम होटल की ही बात कर लो, होटल के अंदर रूम के अंदर रूम चढ़े हुए हैं, उसकी बात कर लो, बिल्कुल। अरे ये कोई डाउट था? बिल्कुल ऐसे डाउट, तो अगर ऐसे ही डाउट हो तो फिर तो मैं सबको कहूंगा कि जितने भी डाउट सब डाउट लेकर आओ, क्योंकि ऐसे डाउट लेने में तो बहुत मजा आता है मुझे, ठीक है ना? ठीक है, फिर तो मुझे सोचना भी नहीं पड़ेगा। फिर तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं एक दूसरी क्लास का बच्चा मैं समझा दूंगा, वो तुम्हारे डाउट ले लेगा, ठीक है? सर अगला डाउट बड़ा आपको दुर्विधा में जाएगा। ठीक है, तुम चुप जाओ। तो ये मेरे पास मैग्नेटिक, अब देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जितना एल होता है ना, तो देखो जितना भी एल निकल के आया, तो माइनस एल से लेकर इसकी वैल्यू प्लस एल तक जाती है। अब इसका क्या मीनिंग है मैं बताता हूँ। अब तुम्हें रूम को दिखाना है, रूम कौन सा रूम के अंदर प्रेजेंट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसे जरा एक बात बताना, एस के लिए, सर मुझे ध्यान सुनो, एस जैसे एस के लिए एल की वैल्यू क्या आई थी जरा देखना ऊपर? जीरो। तो अब क्या माइनस जीरो प्लस जीरो का कुछ मतलब होता है? नहीं। तो इसका मतलब यही होता है कि वो जीरो ही है। अभी सर मुझे ध्यान सुनो, पहले पागल की तरह बेहम ना करें, पहले से सोचते हो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले सुनो बात फिर समझ में आएगा। तो ये एस के लिए, तो इसका मतलब ये जो मेरे पास मैग्नेटिक के लिए है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? जीरो, क्योंकि वो एक ही है। तो इसके लिए तो माइनस से लेके प्लस तक कोई वो हुआ ही नहीं। अब मुझे एक बात हो, जब मैं पी की बात करता हूँ, तो जब मैं पी की बात करता हूँ, तो पी के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है? तीन। तीन होती है। तो अब मैंने तुम्हें क्या बोला, माइनस एल से लेके प्लस एल तक जाता है, यस और नो? तो जरा बताना ये पी के लिए मेरे पास कितनी वैल्यू है एल की? वन। वन। अब तो ये कहां से कहां तक जाना चाहिए, जरा इसको देखो, प्लस माइनस वन, माइनस वन से लेके प्लस वन तक। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला ऑर्बिटल क्या कहते हैं, ये और इस रूम का नंबर है, नंबर रूम्स का नंबर है, माइनस वन, जीरो और प्लस वन। आया समझ में? ये रूम्स के नंबर है कि कहां पे प्रेजेंट हो सकता है, इसलिए माइनस एल से प्लस एल तक। अब मुझे बताओ डी, डी के लिए एल की वैल्यू क्या है जरा देखो ऊपर? दो। तो कहां से कहां तक जाना चाहिए इसको? माइनस टू, माइनस वन, जीरो। माइनस टू से कहां तक जाना चाहिए? प्लस टू। माइनस टू से प्लस टू तक जाना चाहिए ना, बस सिंपल इतना बोलो। तो इसका मतलब सबसे पहला रूम क्या क्या दे दिया होगा? माइनस टू। फिर रूम क्या आएगा? माइनस वन। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? प्लस टू। समझ में आ गया रूम की नंबर? अरे क्या होटल में, मान लो तुम होटल में गए कि भैया रूम दे दो, क्या हाँ ले लो कोई सा भी, ऐसा होता है या कभी कि ले लो कोई सा भी, एक घंटे में वहां, एक घंटे में वहां, एक घंटे में वहां, पूरा होटल तुमने गंदा मचा दिया? ऐसा नहीं होता है किसी होटल में। नंबर होते हैं नंबर, कि ये वाला नंबर में आप जा सकते हैं, इसी नंबर में, ये नंबर आपके लिए ही है बस, और इसे कोई यूज नहीं कर सकता। समझ में आ गया? नहीं आ रहा कुछ समझ में, क्या करें अब, साइंस गलती से मिल चुकी है, अब क्या कुछ हो तो सकता है। अच्छा एफ के लिए बताओ एल की वैल्यू कितनी होती है? थ्री। तो जरा बताओ रूम कहां से कहां तक जाना चाहिए? माइनस थ्री से लेके प्लस थ्री तक। तो अब माइनस थ्री से लेके प्लस थ्री तक बताना कितने रूम हो जाएंगे फिर? सेवन। सेवन हो तो गए। कुछ बच्चे जीरो काउंट ही नहीं करते, कहते माइनस थ्री प्लस थ्री छह हो गए। भाई जीरो कौन खा गया फिर? माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस का वन, प्लस का टू। खत्म हो गया या कुछ और करना है मुझे? खत्म हो गया। अच्छा और प्लस थ्री कौन लिखेगा? प्लस थ्री, यस सर। ठीक है, एक एक्स्ट्रा रूम देना, सात होते हैं। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, एस इज, सॉरी सॉरी, मेरे पास एन इज इक्वल टू टू, एल इज इक्वल टू वन, और एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम इज इक्वल टू, प्यारे प्यारे बच्चों, दैट इज इक्वल टू प्लस वन। सो कैन यू टेल मी वेयर इज दिस इलेक्ट्रॉन? यस, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है प्यारे प्यारे बच्चों, बताएं आप लोग? 21, 2D,
2p1 अच्छा क्या लगता है आस्था 2px x में सभी मत बोलो 2p ठीक है 2p के अंदर आ गया तो वो पहले रूम में आया दूसरे रूम में आया तीसरे रूम में आया तीसरे कुछ लोगों है ना यहाँ पे एकदम वो हो गया एकदम सन्नाटा सा में तो आया लोगों को कह रहे कि क्या हो रहा है भैया ये तो बहुत टफ है n is equal to 2s का मतलब सेकंड फ्लोर एक तरह से मतलब सेकंड शेल के अंदर l is equal to 1 है l is equal to 1 का मतलब p इसका मतलब 2p के अंदर आया अब p वाले के अंदर कितने रूम होते हैं जरा देखना एक ही रहा और एक ही रहा और एक ही रहा और ये तो मैट को रूम नंबर कितना दे रखा है तुम्हें +1 तो +1 दे रखा है तो कौन से वाले रूम के अंदर आयो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रेसाइड कर रहा है थर्ड रूम के अंदर है वो समझ में आ गया कार्तिक सर मेरे एक सवाल था सर यही लिखेंगे ऐसी बस हाँ बोलो बोलो सर मेरे एक सवाल था सर कि सर यहाँ पर तो डी में भी आ सकता है ना सर वो तो -1 और +1 तो उसमें भी है भाई जब तुमको एक बता दिया कि तुम्हें थर्ड तुम्हें सेकंड फ्लोर पे ही जाना है तो तुम थर्ड फ्लोर वाले में क्यों चले गए अच्छा सर समझ गया मतलब सर जो सारा लिंक्ड है ये सारा लिंक्ड है हाँ इसकी इन्फॉर्मेशन के बाद ये वाली इन्फॉर्मेशन इसकी ये सारी आपस में इंटरलिंक्ड है इंडिविजुअल नहीं देख सकते कि +1 तो सर ये भी है ऐसे तो +1 यहाँ पर भी है अरे भाई जिस रूम में तुम आ गए उस रूम के अंदर देखो ना ठीक है सर आपने अच्छे से समझा दिया मतलब हमारे स्कूल में टीचर पढ़ा रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था एक तो वो इतना फास्ट फास्ट बोलती है मतलब अच्छा वैसे तो मैं होटल वाला भी नहीं मैं फ्लोर वाला लेता हूँ तो और बच्चों को समझ में आता है इस तरीके से सर अभी सवाल आ जाएगा हाँ स्नेहा बोलो बोलो सर इसे लिखेंगे कैसे मैम लिखते नहीं है लिखते नहीं है बस आपको एक इलेक्ट्रॉन अभी बताऊंगा अभी मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा एकदम रिलैक्स हो जाए आप बस ऐसे सुनते रहे एकदम प्यार से ठीक है कि तो ऐसे नहीं, लिख सकते कि 2p3 नहीं मैम ऐसे नहीं लिख सकते ना नहीं लिख सकते ऐसे 2p3 का मतलब क्या हो गया अच्छा अगर तुम्हें लिखना है तो वो आगे जाके मैं बताऊंगा किस तरीके से तुम्हें लिखना है तुम अभी जो सोच रही हो ना 2p3 अभी तुम 2p लिख सकते हो 3 जब मैं इलेक्ट्रॉनिक एक्चुअली तुम्हें क्या होता है तुम्हें कॉन्फिगरेशन को देख के ये निकालना पड़ता है क्वांटम नंबर ठीक है तो स्नेहा बस अभी मैं 5 मिनट के रिक्वेस्ट करूंगा अब होल्ड रखो ठीक है अपने इस डाउट को होल्ड रखो मैं स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पे ठीक है कि तुम्हारा कुछ डाउट था यस तो देखो अब मेरे पास क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझ में आया तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तुम्हें क्या बताते हैं एक तरह से किस रूम में है ऑर्बिटल में राइट अच्छा अब एक ऑर्बिटल में कितने लोग आ सकते हैं एक अरे एक रूम में कितने लोग आ सकते हैं दो दो अच्छा तो दो आ सकते हैं अब देखो अब मेरे पास उल्टे सर अबे रुक जा एक सीधा अगर एक सीधा होता है दूसरा उल्टा होता है राइट ये बताया था वो अपने रिस्पेक्ट में दोनों उल्टे ना सर वेरी गुड शाबाश ठीक है तुम कवि बनना क्योंकि तुमको समझने के लिए थोड़ा दिमाग लाना पड़ता है तो कवि का आशय स्पष्ट नहीं हो पाता है तो स्पिन क्वांटम नंबर है मेरे पास तो स्पिन क्वांटम नंबर देखो इसकी ना बस दो वैल्यूज होती है एक होती है +1/2 एक होती है -1/2 ये कोई जैसा फिक्स नहीं है किसके लिए क्या होती है देखो अब तुम रूम के अंदर आ चुके हो ऊपर राइट ऊपर मैग्नेटिक में तो अगर मैंने बताया था ना एक अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है दूसरा वाला इस तरीके से होता है यस और नो यस अरे यार चंदन नहीं आया यार एक सेकंड अरे यार जरा कोई एक क्या नाम है संकल्प यस सर एक बार जरा चंदन को फोन घुमाना वो एक बार जरा पता नहीं वो क्या होगा एक बार चंदन ने मेरे को बोल रखा है कि सर क्लास व्लास का एक बार बता देना एक बार चंदन को बस मिस कॉल मार दो ठीक है तो मुझे एक बात बताओ अगर एक मेरे पास ऊपर है मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे तो वो मेरे पास क्या है +1/2 राइट तो इसका मतलब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर होकर आ गया तो उसके लिए हम क्या लेंगे -1/2 समझ में आ गया तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल जाएगा नहीं चल जाएगा चल जाएगा भाई रूम के अंदर भी वो पहले आया था या दूसरी बार क्योंकि पेयरिंग तो बाद में स्टार्ट होती है ना याद है कुछ ऐसा रूल हंट्स रूल Yes, जब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक सारे ऑर्बिटल एक बार फिल नहीं कर दिए गए होंगे याद आया लास्ट क्लास में हंस रूल पढ़ा था अभी कोई बात नहीं मैं सब समझाता हूँ अब मान लो तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें बोल रखा है कि मान लो आपको दे रखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्यारे प्यारे बच्चों मान लो वो दे रखा है आपको 2 ठीक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है फिर उस ये देने के बाद बोल रहा है कि आपको जो एल दे रखा है वो दे रखा है आपको 0 अब आपको दे रखा है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ठीक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको मान लो दे रखा है
अच्छा एक काम करते हैं, ये चलो यही ले लेते हैं अभी, और मान लो ये स्पिन मुझे दे रखा है, मान लो प्लस कहा, तो अब मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल है यार बच्चों वाली चीज है ये, मेरे को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है जरा बताओ एक बार, शेल, तो इसका मतलब ये शेल है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है तुमको, सब शेल, कि एस के अंदर है, पी के अंदर है, डी के अंदर है, जीरो के लिए क्या बताया था, तो इसका मतलब ये 2s के अंदर है, ठीक है, 2s तो एक ही डिब्बा होता है, एक ही रूम होता है, तो एक ही रूम है तो ऑब्वियसली जीरो ही तो होगा, राइट? यस सर। अगर वो m इज इक्वल टू 1 देता तो क्या ये पॉसिबल होता, नहीं, रूम ही पॉसिबल नहीं है भाई, बीच वाला जीरो ही लेके चलते हैं, तो इसका मतलब ये उसी के अंदर प्रेजेंट है। अच्छा ये प्लस हाफ दे रखा है, तो ये पहला वाला होगा या एंटी क्लॉकवाइज वाला होगा, ठीक है ना, क्योंकि पेयरिंग तो वैसे भी पहला वाला है ना, पेयरिंग होने के बाद सेकंड वाला आएगा, इसके लिए तो क्या ही प्लस और क्या ही वो, तो इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन आ चुका है, अगर माइनस लेता तो इसका मतलब वो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ हाँ सर एक बार एस का समझा दोगे, हाँ बिल्कुल, अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, 1s1 होता है, तो इसका मतलब ये एक ही इलेक्ट्रॉन तो है इसके ऊपर, तो इसका मतलब प्लस हाफ होगा, लेकिन अगर मान लो मैं तुमसे बोलता है हीलियम, तो हीलियम क्या होता है 1s2, इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन आ चुका है ऐसे पेयरिंग करके, तो उसके लिए लेता मैं माइनस हाफ, ठीक है, अगर एक ही रूम के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन है प्लस हाफ, दूसरा वाला है तो माइनस हाफ, ठीक है, लो हां ठीक है, ठीक सर। हां कोई फोन नहीं उठा रहा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं फिर। अब मान लो आपको दे रखा है n = 3, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, मान लो आपको L दे रखा है, सपोज कीजिए प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, ये आपको दे रखा है माइनस का 2, ठीक है माइनस का 2 दे रखा है, ध्यान सुनना सर, ओ सॉरी 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 गलती हो गई, क्या क्या L माइनस 2 हो सकता है, वैसे सोचो जीरो वन, क्या L माइनस 2 हो सकता है, वो M था, वो m था जो नेगेटिव, l माइनस 2 मैंने कुछ बताया ही नहीं है, तो क्या ये क्वांटम नंबर पॉसिबल हो पाता, नहीं होता, तो मैं भी नॉट पॉसिबल नहीं लेता, क्योंकि मुझे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करवाना है, एक बार बिल्ट हो जाएगा तो फिर तो तुम कर ही सकते हो कुछ भी, तो मान लो तुमको जो l दे रखा है, सपोज करते हैं कि वो l आपको दे रखा है, पहले पहले बच्चों 2 दे रखा है, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मान लो आपको दे रखा है प्लस का 1, और स्पिन क्वांटम नंबर आपको दे रखा है मान लो माइनस का हाफ। अब आपके सामने ये 4 क्वांटम नंबर है, आपको बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन आप ज्ञात करें, तो आपको उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अगर निकालने, तो जरा मुझे एक बात बताना प्यारे प्यारे बच्चों, ये कौन सी शेल में प्रेजेंट है, तो वो थर्ड शेल के अंदर प्रेजेंट है, राइट, L इज इक्वल टू 2 है, L इज इक्वल टू 2 के लिए मैंने क्या बोला है, जीरो के लिए S होता है, 1 के लिए P होता है, और 2 के लिए D होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा, यस सर नो, अच्छा अब D के अंदर है, D के अंदर कितने रूम होते हैं जरा बताना एक बार, D के अंदर 5 रूम होते हैं, तो D के अंदर ये 5 रूम है, राइट, अच्छा ये कह रहा है एम प्लस 1 है, अब जरा बताना ये कौन से वाले रूम के अंदर आया, क्योंकि देखो बीच वाला क्या होता है जीरो, ये होता है माइनस 1, ये होता है माइनस 2, ये होता है प्लस 1, ये होता है प्लस 2, यही तो बताया था, तो ये कौन से वाले ये रूम के अंदर आया है, कहना इसे फोर्थ वाला यहाँ से, राइट, अच्छा ठीक है, अब ये कह रहा है कि एस माइनस 2, इसका मतलब पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है या पहला वाला इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग वाला है, इसका मतलब पेयरिंग करके आया ना वो, इसका मतलब देखो अब हंस ने क्या बोला था, पेयरिंग जब होती है जब पहले एक बार सारे फिल हो जाएंगे, तो देखो एक्चुअली में ये सारे पहले फिल हुए होंगे, राइट, अब फिल होने के बाद फिर उसकी पेयरिंग स्टार्ट हुई होगी, राइट, ऐसे ऐसे सर 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 ऐसे एक सेकंड, फिर जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है हमारा, यस और नो, यस सर, इसी इलेक्ट्रॉन से तो ये प्लस होगा, और ये माइनस का हाफ है, माइनस का मतलब पेयरिंग करके जो आया है, तो हम सर, किस वाले इलेक्ट्रॉन में आया, एस वाला, कैसे, अच्छा अच्छा मैं बता रहा हूं, हां कार्तिक है, बोलो क्या बोल रहे थे सर, मेरा भी यही डाउट था सर, अच्छा प्लस हाफ का मतलब क्या होता है ये बताओ सर, पहला पहला, और माइनस हाफ का मतलब क्या होता है, जो पेयरिंग करके आएगा, यस सर पेयरिंग, हां यस पेयरिंग के, भाई पहले सारे एक बार फेल हो जाएंगे तभी तो पेयरिंग स्टार्ट होती है, हंस रूल ने क्या बोला था, पढ़ो जरा लास्ट क्लास के नोट्स सर, जब एक बार सारी सेल भर शेल भर हाफ हाफ भर जाएंगी, बताया था ना रूम का एग्जांपल लिया था मैंने, कि जब किसी की शादी होती है तो पहले सारे रूम अलग अलग ले लेंगे,
उसके बाद फिर पेयरिंग हो गई होगी, रूम है नहीं अवेलेबल. समझाया था लास्ट क्लास में? यस सर. सार्थक तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर आ रहा है. तो ये क्या था? डी था, क्योंकि मेरे पास एल इज इक्वल टू टू दे रखा है, टू के लिए डी होता है. अब ये प्लस एम वन की बात कर रहा है, तो डी में देखो मैंने बताया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये जीरो प्लस वन माइनस वन, सॉरी सॉरी प्लस टू माइनस वन माइनस टू, ये होता है राइट. तो ये प्लस वन दे रखा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रुका हुआ है मेरा? इस फोर्थ रूम के अंदर है. यस और नो? यस सर. एम इज इक्वल टू प्लस वन का मतलब वो फोर्थ रूम के अंदर है या नहीं है? यस सर है उसमें. Yes, sir, yes, अब फोर्थ रूम के अंदर तो अब वो अकेला है या दो लोग हैं, ये कैसे पता लगेगा? सर ये ऐसे पता चलेगा क्योंकि वहां पर माइनस दे रखा है. ऐसे पता लगेगा. हाँ सर वही. अगर एस प्लस हाफ दे रखा होता, प्लस हाफ इसका मतलब अभी एक ही बंदा आया है, लेकिन एस तुम्हें माइनस टू दे रखा है, इसका मतलब एक बंदे होने के बाद अब दूसरा बंदा भी आ चुका है. सच में आया? अब मुझे एक बात बताओ, अब दूसरा बंदा कब आएगा? जब सारे के सारे रूम फिल करने स्टार्ट हुए होंगे. ऐसा तो है नहीं कोई डायरेक्टली फोर्थ रूम में जाएगा, मैंने बताया था ना सिस्टमैटिक ऑर्डर है. अगर एक एक रूम में सब लोग आ चुके हैं तो जो पहला बंदा आया वो कह रहा भाई रूम का है, उन्हें का रूम है ही नहीं, तो कहाँ पे जाएंगे? तो वो पहले से भरना स्टार्ट करा था ना उसने पेयरिंग करने के साथ, रैंडमली नहीं जाता कि रैंडमली चलो कहीं भी सोते हैं. तो इसका मतलब अगर ये माइनस हाफ है तो इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ आया होगा, यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है. अगर ये प्लस हाफ होता तो मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि ये माइनस हाफ है इसका मतलब पेयरिंग हो चुकी है, पेयरिंग हो चुकी है तो लाइन वाइज होगी, इसका मतलब वो इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तुमसे, पेयरिंग करने वाली बात. आया सर में सब बच्चों को माइनस हाफ? यस. कार्तिके नहीं आया ना, बहुत टफ है. नहीं सर आ गया सर, इस बार तो आया थोड़ा. नेक्स्ट अब तुम लोग बताओगे डिनोट कैसे करते हैं इसे M और S? भाई यही डिनोशन, यही डिनोट करवा रहा हूं मैं, यही ऐसे ही करते हैं सर. तो एक बात बताइए सर. हाँ. तो इसलिए तो अभी डिनोट विनोट के चक्कर में मत पड़ो, अभी कौन सा समझ में आ रहा है तो वो बताओ, उसके अलावा कुछ है तो. बस मैं ये कह रहा था सर, तो हम N और L तक ही जाएं, M और S की जरूरत ही नहीं है जब डिनोशन. अच्छा M और S की जरूरत नहीं है तो तुम रूम कैसे बताओगे, और रूम के बाद वो पहला बंदा या दूसरा बंदा ये कौन बताएगा? सर अभी तो आपने बताया कि इतनी डोनेशन डिनोशन है. क्या बोल रहा है ये? कोई बात नहीं, वेरी गुड. अभी करते हैं तुम्हारे पे डिस्कशन. भाई मैंने क्या बोला, एग्जैक्ट पोजीशन निकालनी है, एग्जैक्ट पोजीशन निकालने तो ये भी तो बताओगे कौन से रूम के अंदर है और कौन से रूम के अंदर पहला वाला बंदा या दूसरा वाला पेयरिंग वाला बंदा है. चाहता है तू भुवन को मेरे साथ? क्या पता ना क्या करवाएगा भुवन को तू मेरे? ये आवाज कहां से आई? थी कौन था ये? तो कैरी मिनाटी था शायद. बेटा ज्यादा ही फैन हो रहे हो कैरी मिनाटी के हैं. अभी रुक जाओ, तुम्हारे घर पे मैसेज करता हूँ, मैं सबके घर पे. ज्यादा ही अजय नागर के फैन हो रहे हो तुम लोग हैं? सा मैं नहीं, सा हम लोग कुछ नहीं है. बताओ ऐसी चीज देखते हो? चलो अब हमारे पास और देखते हो तो फिर अपने पास रखो ना, दूसरों को कुछ सुना रहे हो. सारा कैरी मिनाटी निकाल देंगे अभी तुम्हारा. एन इज इक्वल टू फोर है, L इज इक्वल टू आपको दे रखा है टू, M इज इक्वल टू आपको दे रखा है माइनस का टू, और ये S आपको दे रखा है प्लस का हाफ. अब जरा मुझे आप बताएं ये कहाँ पे लाई कर रहा है? सब लोग पहले खुद सोच विचार कर लें और उसके बाद आप मेरे से बात करें. सर मजा आ गया. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. अभी एक सेकंड. और बाकी लोगों ने कर लिया? आस्था, माहिका, सार्थक सर हो गया, वैष्णवी हो गया, हाँ सर, स्नेहा सर हो गया, स्नेहा स्नेहा हो गया था. अच्छा अच्छा धीरे से बोलती हो, जैसे एकदम जान निकल जाती है ना बॉडी में से, बोलने से एनर्जी खर्च हो गई. तो सबसे पहली बात, ये फोर शेल के अंदर है राइट. L is equal to 2. L is equal to 2 का मतलब क्या होता है? S, B, D या F? P, 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 P. D, D, D. इसका मतलब वो 4D के अंदर है. क्या 4 के? D. हाँ ठीक है. क्या 4 शेल के पास D होता है? हाँ सर होता है. Of course F भी होता है. ठीक है. अच्छा. अब M minus 2 है. अब D के अंदर कितने रूम होते हैं जरा बताना?
माइनस टू है, ये वाला रूम का नाम था जीरो, ये वाले रूम का नाम है माइनस वन, ये वाले रूम का नाम है माइनस टू, ये वाले रूम का नाम है प्लस वन, ये वाले रूम का नाम है प्लस टू, तो ये माइनस टू है। तो कौन से वाले रूम के अंदर आया है? सबसे पहले वाले में। अच्छा, तो ये सबसे पहले में खुद आया है या फिर सारे भर गए थे तब आया है? नहीं सर, सबसे पहले यही आया। क्यों, ये कैसे पता लगा तुम लोगों को? क्योंकि वो जो प्लस हाफ है वो बताता है। इसका मतलब वो सबसे पहले खुद आया है, इजंट इट? तो प्लस हाफ वाला वो पहले आया, पेयरिंग अभी नहीं हुई है। अच्छा, अगर मैं बोल दूं, अब मान लो s इज इक्वल टू माइनस का हाफ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो है तो इसी रूम में, लेकिन वो दूसरा वाला बंदा है, राइट? और ये दूसरा वाला बंदा कब आया होगा? मैंने तो हंस रूल क्या कहता है, पेयरिंग कब तक नहीं होगी? जब तक कि सब लोग सिंगल सिंगल ना आ जाए। सिंगल सिंगल होने के बाद दूसरा वाला बंदा पेयरिंग फिल करेगा ना। नेहा, अनुष्का, आ रहा है प्यारी प्यारी बच्ची? हाँ सर आ रहा है। ठीक है अनुष्का, मैं ध्यान रख रहा हूँ तुम्हारा। अगर फिजिक्स के टेस्ट में अगर परफॉर्मेंस डाउन हुई तो फिर ध्यान रखना, विधानसभा में एक सत्र लाया जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ सर, यहाँ तो कोई दिक्कत सबकी होगी डाउन। क्या मतलब मैं बायो वाले तो शायद हो जाएगी। हाँ चलो ठीक है। अच्छा अब देखो इसका क्या यूज है। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ तक मैंने जितना कराया, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो यार। सर मेरा एक सवाल था सर। मुझे पता था सर आपका आएंगे। यस पूछे आपसे। मेरा बस सर इस बार अच्छा सवाल था सर। सर ये जो डिब्बे बनवाए हैं सर, ये भी बना के दिखाने सर? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ मैं बना के दिखा रहा हूँ, आप इसे रफ में बना के दिखा सकते हैं, या टीचर के सामने दिखा भी दोगे तो टीचर खुशी होता है, कोई निराश नहीं होगा, मतलब कोई अपसेट नहीं होगा कि ओ ये क्या कर दिया, इधर आओ इधर दो तार लगा दी, तो ठीक है बना के दिखा सकते। अब मान लो वो एक क्वेश्चन कह रहा है तुमसे, कह रहा है नाइट्रोजन का, सारे मुझे ध्यान सुनेंगे, नाइट्रोजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम नंबर बताएं आप। सारे मुझे ध्यान सुने, राइट ऑल दी क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर हमें ये लिखना है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद है, सीरीज याद करने के लिए बोला था गाँव के बच्चों, 1s2 2s2 2p3। पक्का लॉक कर दे सर? कर दीजिए। ठीक है तो 2p3 है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आया है? 2p3 के अंदर आया है, यस और नो? तो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में आया सबसे पहले ये बताओ? सेकंड शेल में आया। इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया? सेकंड। वेरी गुड, ये डन हो गया। मतलब हां 2। अच्छा कौन सी सब शेल के अंदर आया? सब 1। 1 पी में आया, तो इसका और पी के लिए क्या होता है एल की वैल्यू? 1 1 1। इसका मतलब L1 हो गया। अच्छा अभी कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट है सेकंड है या थर्ड है? थर्ड। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरे पास पी होती है तो पी में अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो सिंगल ही होगा या फिर पेयरिंग हो गया होगा? सिंगल सिंगल होगा। इसका मतलब थर्ड, ये थर्ड, ये है ना थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन, तो मुझे एक बात बताना, अब मैग्नेटिक वैल्यू क्या होती है? 0, -1 और +1, राइट? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हुआ? +1 हुआ ना। अरे भाई रूम का नंबर क्या है? +1। तो +1 हो गया। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, ये +1 क्या हुआ M? Yes, कार्तिके। सर ये तो मुझे पता है सर, ऐसे कैसे? सर ये +1 है सर, P में 3 रूम्स होते हैं। हाँ, क्योंकि वो तीसरे वाले में है, इसलिए वो इसका रूम नंबर क्या है? +1, राइट? इसकी इंटरेस्टिंग स्पिन होगी सर +1/2। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब ये जो घूम रहा है, देखो एक अगर ऐसे करके होता है तो नीचे होता है, इसका मतलब अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। अब मैंने अब मुझे एक बात बताओ, ये अभी पहला वाला आया या दूसरा वाला आया? पहला वाला है। पहला वाला है, तो स्पिन क्वांटम नंबर ये तो मैं क्या लू, प्लस हाफ लो या माइनस हाफ लू? प्लस हाफ। आ गया समझ में प्यारे प्यारे बच्चों कैसे करते हैं? यस सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? अन्वेषा? यस सर। तो अन्वेषा समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अपनी मैम से कहना एक बार मेरे से बात कर लें, ठीक है? मैं बताऊंगा उनको कैसे समझाना है, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। चलो अब तुम्हारे पास मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। मेरे पास सोडियम है, अब सारे बच्चे जो पर्सनल मैसेज करेंगे, सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर बताएं आप, और सब बच्चे मुझे पर्सनल चैट में मैसेज करेंगे, पर्सनली, पब्लिक नहीं। बस एक चीज बता दीजिए सर, इसकी कॉन्फिगरेशन बता दीजिए सर, वो 1s में। तुम्हें कॉन्फिगरेशन नहीं आती अभी तक? बहुत शर्मनाक बात है,
बहुत निंदात्मक कदम है तुम्हारा ये. 1s2 2s2 2p 6 और फिर हो जाएगा 3s1. सर एक मिनट सर, धीरे से धीरे. 1s2 2s2 2p6 3s1. भाई तुम लोगों ने क्या अभी तक ये कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं करी? मैंने बोला था ना एटलीस्ट 5 तक याद कर लें सबके लोग. बिल्कुल लापरवाही कर रहे हो बेटा. ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को जितना मजाक में लोगे ना एकदम सब डिब्बा गोल हो जाएगा. फिजिक्स में तो चलो ठीक है, न्यूमेरिकल होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, फिजिक्स में तो मजा आता है बहुत लोगों को. लेकिन फिजिक्स में क्वेश्चन टफ आते हैं एग्जाम में, रुला देती है 12th की फिजिक्स बेटा. बच्चों को सामने सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन जब बोर्ड का पेपर आता है ना टीचर हिल जाते हैं कि ये क्या हो गया, तो सरकार कर गई हमारी. मजाक मत लेना साइंस स्ट्रीम को, और केमिस्ट्री को तो बिल्कुल ही नहीं. केमिस्ट्री ऐसे लगेगी टफ, लेकिन क्वेश्चन ईजी आएंगे, मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में. उल्टा है, फिजिक्स समझ में आएगी तो क्वेश्चन नहीं लेंगे तुमसे, और यहाँ पे तुम्हें सब सब कुछ आएगा तो वहां मतलब ये वाला केमिस्ट्री में तो समझ नहीं आएगा, लेकिन पेपर सबसे इजी केमिस्ट्री का आता है. यही तो है विडंबना. अच्छा बायो वाला? बायो वाला तो सब कुछ इजी है. बायो वाला तो मैं हूँ, चिंता मत करो, 95 प्लस तुम्हारे पक्के हैं. सब पक्का? गारंटेड. साइन करवा के देता हूँ, एफिडेविट भिजवा दूंगा तुम्हारे घर पे, ठीक है? 1000 वाला. सर मैं आपको नोटिस भेजता हूँ. तुम चुप हो जाओ, तुम पहले अपने आप को नोटिस भेजो, ठीक है? तुम्हारे जितने भी सवाल है वो पहले तुम अपने आप ठीक कर लो. संकल्प ने भेज दिया मुझे आंसर, ठीक है, वेरी गुड. सर बस इसमें जो सर एक चीज पूछनी थी, एस जो है वो मैं प्लस हाफ लूंगा या माइनस हाफ? भाई अगर पेयरिंग नहीं हुई है तो प्लस हाफ लेगा, अगर पेयरिंग हो चुकी है तो माइनस हाफ लेगा. सर इसमें फर्स्ट सेल में कैसे पता चलेगा सर पेयरिंग हुई या नहीं हुई? अरे भाई देखो कैसी बातें कर रहा है लड़का. अभी रुक जाओ, तुमको समझाते हैं. अच्छी बात है, देखो कोई बुरा नहीं मानेगा. देखो मेरा ये नेचर है, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ तुमसे तो ये मेरा नेचर है. मैं तुम्हारे बहुत सारे भाई बहन भी तुमको पढ़ाएंगे तो वो भी ऐसे करेंगे, तो मेरा नेचर कोई बुरा नहीं मानेगा. पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं. अरे कोई बात मैं नहीं, मैं तो अभी शायद 2 साल से पढ़ रहा हूँ सर, आई नो दैट. कोई शर्माएगा नहीं कि ये क्या पूछ लिया मैंने, देखो मेरे को डांट दिया. कोई रो रहा है कोने में बैठ के, बात नहीं कर रहा अपने घर वालों से कि मेरे को डांट दिया गया सबके सामने, तो ऐसा कोई हरकत नहीं करेगा. कहीं डिप्रेशन में चला गया, दवाइयाँ खा रहा है मेडिसिन की, किसी ने ऐसे बोला मेरे को पब्लिकली, भरी सभा में मेरी इज्जत उछाल दी, तो ऐसा कोई कुछ नहीं बोलेगा. सर यहाँ से तो 50-50 चलता है ना सर बराबर. हाँ तो चलो अब देखो, सबसे पहली बात संकल्प, वेरी गुड. संकल्प ने एकदम सही जवाब दिया है, एक बार जोरदार तालियां संकल्प के लिए. आस्था, आस्था वेरी गुड. हाँ बता रहे, रुक जाओ. आस्था वेरी गुड. स्नेहा आई एम रियली सॉरी, आपने मैम गलत बताया. स्नेहा कुछ गलती करी है आपने, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. स्नेहा ने कहा गलत है. अब आ रही है अन्वेशा जी. अन्वेशा वेरी गुड. अन्वेशा अब आ रहा है सार्थक. सार्थक ये क्या बताया तुमने, ये देखो. सार्थक ने पूरा वही जो मैंने एग्जांपल लिया था वो लिख दिया है. लिखा है फर्स्ट रूम, ये वाला होटल, ये वाला ब्लॉक. क्वांटम नंबर के फॉर्म में बताना है भाई. एन की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू क्या है, वो तुम्हारे समझने के लिए उसे अंदर रखो, ठीक है? तो मैं उसे अभी इग्नोर अभी नहीं देख पा रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. वैल्यूज के अकॉर्डिंग बताओ तो मैं देखूंगा उसे. अन्वेश देखो भाई, अब मैं बताता हूँ क्या करना है. सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे. सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन. माही का? यस सर. तुम क्या कर रही हो? लिखती हूँ, भेजती हूँ. देखो ये माही का ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, इतना सबका ध्यान तो होगा नहीं. नहीं 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 नहीं, मेरे को लगा आप लिखवा दोगे तो मैंने नहीं दिया. मैं अभी वेरी गुड, मैंने फिर से भेजा एक बार. मैंने भेज दिया. हाँ और क्षितिज, क्षितिज एक क्षितिज, क्षितिज क्या हुआ? प्लीज ये मत लिखना 100-100 वालों के जवाब से अच्छी है मेरी ये खामोशी चैट पे, ठीक है? नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा. और ये वैष्णवी क्या हुआ? स्लेजी ने लगे पत्ते गिर गए क्या? यस या ज़ाइलेमेन फ्लोएम नहीं आया, वाटर नहीं मिला होगा ना, फूड भी नहीं मिला होगा. कुछ नहीं, वो देखा करो. यस अनुष्का, अनुष्का तुम्हें क्या हुआ? यस सर भेज रही हूँ. पता नहीं क्या हो, 11th में आते ही बच्चों को हो क्या गया है एकदम. सर मैंने भेज दिया है. आया तो नहीं है मेरे पास कोई मैसेज, पता नहीं. यार सर मैंने भेज दिया. तुमने क्या, एक सेकंड रुक जाओ चेक करने दो. मेरे पास ऐसा कोई मैसेज आया नहीं, पता नहीं क्या हो गया. एक सेकंड रुक जाओ चेक करने दो. पता नहीं तुम लोगों का इंटरनेट कैसा है, लोकल नेट वाला. मेरा सर मेरा वाईफाई चल रहा है. अच्छा ठीक है, तो माइका ने भेजा है. वेरी गुड माइका, पहला ही गलत है तुम्हारा.
वेरी गुड. अच्छा तुमने ट्राई किया, मुझे खुशी. नहीं नहीं नहीं, फिर से क्या होता है, स्नेहा ने भेजा है. वेरी गुड स्नेहा. सार्थक ने भेज दिया है. वेरी गुड सार्थक. अब देखो सारे बच्चे, 1s2 2s2. अब चुप हो जाओ सारे बच्चे. 2p6 और ये मेरे पास है 3s1, राइट भाई. 11 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन 11 हुए या नहीं हुए. अब बस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की बात चल रही, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे नजर रखो ना यार, इन सबको भूल जाओ. इससे क्या मतलब है हमें, देखो इसकी शेल कौन सी है, 3. इसका मतलब n इज इक्वल टू 3. इसकी ये क्या है, सब शेल s है. तो s के लिए मैंने l की वैल्यू क्या बताई थी, जरा चेक करो. कुछ लोगों ने नोट्स ही नहीं बनाए, क्या चेक करेंगे. तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 0. ठीक है. अब ये 1 है. देखो s क्या होता है, ऐसा होता है इसमें पहला इलेक्ट्रॉन आया है, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो ये रूम का नंबर कौन सा होगा, 0 ही तो होगा. सर मैंने सही है, सर मैंने s के लिए रूम नंबर कितना होता है, 0 ही तो होता है. तो m भी कितना हुआ, 0. अब ये पहला इलेक्ट्रॉन है या दूसरा इलेक्ट्रॉन है, पहला. तो पहले के लिए क्या बताया मैंने, प्लस हाफ. ऑल्दो देखो स्पिन क्वांटम नंबर के लिए ना कोई ऐसा फिक्स नहीं है, प्लस हाफ ही लेना होता है. कुछ कुछ टीचर माइनस हाफ भी लेके चलते हैं. तो अगर तुम पहले वाले को माइनस ले रहे हो हाफ, तो फिर दूसरे वाले के लिए प्लस हाफ लेना पड़ेगा. फोर्थ क्वांटम नंबर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है. तो बट स्टिल मैं कहता हूँ कि तुम एक कन्वेंशन मान के चलो, तो तुम्हें हमेशा फायदा होगा. ठीक है, प्लस हाफ के लिए ऊपर. हाँ हाँ सर, बस ये बता दीजिए सर, s इज इक्वल टू हाफ लिया जो आपने, ये कैसे लिया सर, ये वाला भाई पहला इलेक्ट्रॉन, ये s ऑर्बिटल के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन आया या दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, पहला. भाई यहाँ पे 3s1 है ना, एक सेकंड, ये 3s1 है. हाँ सर है. s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं हमेशा, सर 2 आते हैं. तो अभी पहला ही आया है, तो पहला आया तो वो अकेला हुआ या नहीं हुआ, तो अकेले के लिए क्या बताया था, प्लस हाफ. और जब 2 हो जाएंगे तो उसके लिए क्या बताया था, माइनस हाफ. भूल गए क्या, पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ. आ रहा नहीं सर, आ गया. आ गया सर, आ गया सर. एक बार ऊपर वाले नोट्स की स्क्रीनशॉट लेने दो, मैं डिस्कनेक्टेड था. ओके क्षितिज थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये टॉपिक अगर मिस हो गया तो, क्योंकि ये नीट और जेई मेन का फेवरेट टॉपिक है, उन्हें पता है कि तुम पढ़ते लिखते तो हो नहीं, तो जरूर तुमसे जान पूछ के यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे. एक बार के लिए मेरा मैसेज नहीं आया. क्या मेरा मैसेज अभी तक नहीं आया? किसका, माइका का? मेरा सर, स्वस्ती का. अच्छा स्वस्ती का आ गया होगा, मैंने चेक नहीं किया. ठीक है, इसके पिक ले ली, जल्दी लो यार पिक, इसके पिक ले लो जल्दी से, इसके पिक लो जल्दी से. ये उनके लिए जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए, तो नहीं क्या कर रहे हैं बच्चे. और इसके पिक ले लो सर. आप 11th में टॉप मारते थे सर, या फिर एवरेज थे सर? 11th में मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, जब मैंने 10th में टॉप किया था. जब मैं सरकार गिर गई. हाँ सरकार गिरी नहीं थी, वो मुझे बाद में होश आ गया था. ठीक है, अच्छा, बच गई सर, मैं कितने ये जानबूझ के होता टॉपिक टच कर रहा है. इसको पता है कि जब मैं एक बार स्टार्ट हूंगा तो कम से कम 20 मिनट तक मैं बोलूंगा, तो ठीक है तुम चुप रहो, तुमको सब कुछ पता है. बताएंगे एक दिन, टाइम निकाल के बताएंगे. ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है. 10th में टॉप किया था, तो मैं 11th में बहुत ज्यादा, बहुत मैं किसी को समझता ही नहीं था. ठीक है, एकदम ओवर कॉन्फिडेंट टाइप का. फिर बाद में फिर इसलिए मैंने PCM, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, मैथ सब ले ली थी. फिर बाद में जब रियलाइज हुआ कि जिस तरीके टेस्ट हुआ, कंप्यूटर साइंस मेरे को समझ ही नहीं आया क्या चल रहा है. मैं इतना घमंड में, मैं टीम में किसी को समझता ही नहीं था, इवन टीचर्स को भी मैं कुछ नहीं समझता था कि मुझे सब आता है और मैं कर लूंगा. तो फाइनली जब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई थोड़ा आ जाते हैं नीचे, क्योंकि साइंस टीम लिए, तो फाइनली मैंने पहले कंप्यूटर साइंस छोड़ी, फिर मेरा मन था बायो भी छोड़ दूं, लेकिन फिर मुझे मैं थोड़ा डाउट में था कि मैं डॉक्टर इंजीनियर सर पढ़ाई करते हैं सर. ठीक है, लेकिन हाँ 12th में फिर जैसे अब तुम 11th में हो ना, तो तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी. 11th में जो तुम ये सब फेस कर रहे हो ना, तो ये तुम्हें एकदम अच्छी वाली आदत हो जाएगी, तो 12th में कोई दिक्कत आती नहीं है. 12th में मुझे ऐसा कोई भी परसेंट आए थे किसके अंदर 12th में 97.8 इतने तो आ ही जाते हैं. वैसे अलग अलग परसेंटेज है मेरी, मतलब मैं कभी कभी PCM की बताता हूँ, कभी कभी PCB की बताता हूँ, कभी कभी मेरे पास PCMB की, तो अलग अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं सर. पढ़ाई पढ़ाई अच्छा एक समझाओ, इसकी हम बात करेंगे अलग से. ठीक है, इसके लिए बात करेंगे. अगर जिसको देखना है तो मेरे फेसबुक पे देख लो, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें. ठीक है, मेरे फेसबुक अकाउंट में सब कुछ है, मेरी फोटो वोटो न्यूज पेपर के अंदर जितनी भी है सब कुछ. ढूंढ रही थी सर, नहीं मिला. सबसे नीचे है ना सर, नीचे है ना, वो सबसे नीचे जाओ आगे. ठीक है चलो, ठीक है बाद में बात करते हैं, मैं तुम्हें भेज दूंगा, वो पर्सनल मैसेज कर देना. चलो अब मेरे पास है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे सब बताया.
एक बार फिर से वो कर दीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब मैग्नेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैं बिल्कुल नहीं आती है, हद होती है। 1s2 2s2 याद नहीं हो रहा। ठीक है ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, सोडियम मैग्नीशियम अगला ही तो है, एक काम करते हैं, काम करो एल्यूमिनियम की करो, एल्यूमिनियम की। तो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 3s के बाद मेरे पास क्या आएगा, 3p आएगा राइट, और मेरे पास 12 तो हो गए और एल्यूमिनियम 13 होता है तो 3p1 आ जाएगा। यस और नो एवरीबॉडी? यस। अब निकाले सारे बच्चे, लास्ट फाइनल। यस लास्ट, हमेशा लास्ट के लिए, मोस्टली लास्ट के लिए आता है, वरना तो कोई सा भी बोल सकता है। कार्तिक का सबसे पहले रिप्लाई आया है, एक सेकेंड, एक प्यारा प्यारा बच्चा कॉल कर रहा है। हेलो, हाँ सक्षम। अच्छा अच्छा मैं बताता हूँ, मैं क्लास में हूँ सक्षम। सर ये कौन सा वाला सक्षम है जो हमारे साथ पढ़ता था सर? नहीं 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 नहीं, तुम्हारा वाला सेक्शन नहीं है, ये 10th वाला है, इस साल जो 10th में, एक गोरा गोरा सा लड़का है बहुत। अच्छा चलो ये सब छोड़ो। हाँ भाई, सबने रिप्लाई तो नहीं किया है अभी भी, सब लोग सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब तो टाइम होने वाला है, चलो जैसे जैसे निकल जाए। सर आंसर चेक कर लेंगे सर, ठीक है। अब पहले एक बार अपना ठीक है भेज दिया है स्वास्थ्य, हाँ आ गया स्वास्थ्य का भी। चलो अब चेक कर लेते हैं किसका सही आंसर है, किसका सबसे तेज जवाब है। सबसे पहली बात, जो मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्यारे प्यारे बच्चों देखो, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस वाली शेल के अंदर एंटर करा है, 3 n is equal to 3 के अंदर। फिर ये p है तो p के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, l is equal to sp, तो 1 हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अब ये l मेरे पास होता है, अगर ये सबसे पहली बात, तो अगर p की बात चले तो p के अंदर कितने रूम होते हैं तुम लोगों को पता है? 3। तो 3 में से अब जरा मुझे पहला इलेक्ट्रॉन आया है राइट, तो yes. पहला इलेक्ट्रॉन आया तो वो कौन से रूम में जाएगा, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में? पहले वाले में। और रूम के नंबर क्या क्या होते हैं तुम्हें पता है, 0, -1 और +1। तो इसका मतलब इसके रूम का नंबर क्या हुआ, -1। तो इसका मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हुआ, -1। अब ये पहला इलेक्ट्रॉन है या पेयरिंग करके आया है? पहला इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का हाफ। तो सार्थक, आस्था, गलत हो गया, नेहा बहुत है, एम और एस वाला समझ नहीं आया, नहीं। तो कैसे हम लोग जानेंगे कि ये फर्स्ट में, क्या पता ये अरे मैम मैंने क्या बोला है आपको, कितनी बार बोला है, सबसे पहला रूम के अंदर ही तो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा ना, क्या कभी मैंने रैंडमली भला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया भाई? पहले लाइन वाइज चल रहा है तो लाइन वाइज करने में क्या दिक्कत आ रही है? ये P1 था तो ये P के सबसे में पहला इलेक्ट्रॉन ही तो होगा, P2 होता तो 0 आता M की जगह, बिल्कुल तो 0 आता, sp3 होता तो +1 आता, अगर ये p4 होता। चलो एक काम करता हूं, मैं ऐसे करके बता देता हूं, सारे बच्चे ध्यान सुनना ठीक है। अच्छा मान लो, अब जैसे सपोज करो ये मेरे पास p की ऑर्बिटल है ठीक है, अब भाई m और s की बात करते हैं क्योंकि बच्चों को ऐसा उसमें दिक्कत है। ये रूम क्या होता है, 0, ये होता है +1 और ये होता है -1, इतना सबको समझ में आया? अगर इलेक्ट्रॉन पहला यहां पर आया है यहां पर, तो इसका मतलब m क्या हुआ, -1, और ये पहला इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन क्या हुआ, +1/2 राइट, क्योंकि वो अकेला है। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं दूसरे वाले की, तो इसके लिए क्या होता, m is equal to 0 और स्पिन क्या होता, वो अभी भी अकेला है तो क्या होता, +1/2। यस और नो? अब तीसरा इलेक्ट्रॉन होता तो वो यहां पर आता तो उसके लिए m क्या हो जाता, +1 और s क्या हो जाता, +1/2। यस और नो? सर उधर आपने m को -1 ने लिखा है, कहाँ पे? ओ सॉरी 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 सॉरी, ये माइनस है ठीक है, ये माइनस का वन है ठीक है भाई, ठीक है माई का। अभी चैप्टर्स के पार्ट बचे हैं ना, बस बस खत्म। अब मान लो पेयरिंग हो गई, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आया,
तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग होती है, बताओ ये एक उसी रूम में है या अलग रूम में? अलग तो, अबे भाई जब उसी रूम में है ना माइनस वन, लेकिन अब वो पेयरिंग वाला है या पहला वाला है, मतलब पहला वाला इलेक्ट्रॉन है दूसरा वाला? तो अब ऐसा क्या हो जाएगा माइनस का हाफ? बट ये पता कैसे चलेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे भी माइनस वन ही तो लिखा है एम की जगह। एम रूम बताता है, एस पेयरिंग बताता है। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं तो वो क्या है मेरे पास माइनस वन। अब पेयरिंग करने, अब जब मान लो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आया तो उसको तो पेयरिंग में ही आना पड़ेगा ना। वो समझ गई पेयरिंग में आएंगे, बट मैं बोल रही हूँ जैसे 3p1 लिखा है आपने, हाँ? तो जो वन है वो m को, m की पहली वो बता रहा है कि किस रूम में आ रहा है, हाँ? तो उसमें m की जगह वैल्यू आएगी माइनस वन। ठीक है, तो s तो अगर माइनस वन है तो s प्लस वन, हाँ वन बाय टू भी हो सकता है, माइनस वन बाय टू हो सकता है। तो हम पता कैसे लाएंगे कि प्लस वन बाय टू आएगा या माइनस वन बाय टू? यही तो समझा रहा हूँ, अगर अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन वन है तो वो हमेशा हाफ रहेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन मेरे पास फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन आ गया है तो माइनस हाफ होगा। और वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखा हो या ऐसा होगा कि पता चले? देखो यही है ना, जब हम नोट्स को ढंग से नहीं पढ़ते तो यही होता है, हंस रूल को पढ़ा नहीं है। मैम मुझे एक बात बताओ, जब पहला इलेक्ट्रॉन आया तो अभी ये क्या है प्लस हाफ, ये वाला इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अभी प्लस हाफ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन की बात है अभी प्लस हाफ है, लेकिन जब तुम इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करोगी पहले पूरे भरने के बाद फिर पेयरिंग होती है ना, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी माइनस हाफ होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी माइनस हाफ होगा। समझ में आया? हाँ, अच्छा वो थ्री, ठीक है ठीक है। जब सारे इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले होते हैं तो उसके लिए प्लस हाफ, और जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आने लग जाते हैं तो उसके लिए माइनस हाफ। इलेक्ट्रॉन बताना है ना किस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है सर। स्नेहा Yes, sir. बहुत टफ है ना ये? स्नेहा सर तो एग्जाम में पूछेगा कैसे? स्नेहा कह रही है सो, 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 तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो स्नेहा? बोल तो रही हूँ। देखो सल्फर का लास्ट इलेक्ट्रॉन निकाले सारे बच्चे, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर कॉन्फ़िगरेशन। स्नेहा क्या हुआ, तुम डिप्रेस हो क्या बहुत? स्नेहा हेलो सर, आवाज? हाँ अब आ रही है आपकी आवाज, कम आ रही है ऑल्दो। क्या हुआ? आवाज हाँ हाँ आ रही है, अब आ रही है, वेरी गुड। यस लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए सल्फर के लिए मेरे को वो निकाल के दिखाएं क्वांटम नंबर्स। क्षितिज तुम भी करके दिखाओगे? क्या हुआ भाई, मैसेज नहीं आया अभी तक? तो कॉन्फ़िगरेशन में टाइम माइक का आ गया। अच्छा कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं सारे बच्चे अभी तक? यस। 1s2 2s2 2p6 तो ये 10 हो गया, सल्फर का 16 होता है राइट, तो 3s2 अब 12 हो गए हैं, 12 में से भी मुझे 16 पे आना है तो चार बचे, तो ये 3p4। कुछ लोगों की तो कॉन्फ़िगरेशन ही गलत होगी क्योंकि ध्यान तो रहता नहीं है, क्या करें। कुछ लोगों ने 10 लिख दिया होगा, लोगों ने 20, कुछ लोगों ने तो KLMN से कहा होगा 2 8 6। सही है सर मेरा? अच्छा तुमने अभी अभी भेजा है ये? सच में तुमने अभी वाले के लिए भेजा है? हाँ सर। अच्छा अच्छा मुझे लगा ये पुराना वाला भेजा तुमने। सब पुराने का अब क्यों भेजूंगा? ठीक है लेट मी चेक। अरे वाह बिल्कुल सही माइका, वेरी गुड। इस बार सबसे तेज और सही रिप्लाई माइका ने दिया है। माइका ने सबकी सरकार की मैं सेंध लगा दी, वेरी गुड। सर मेरा सही है क्या? कार्तिके तुमने गड़बड़ नहीं कर दी? कार्तिके हाँ स्नेहा तुम्हारा भी सही है। कार्तिके क्या कर रहे हो? कार्तिके
आस्था सर अब सही हो गया। हाँ वेरी गुड आस्था। वैष्णवी क्या कर रही हो तुम? वैष्णवी ये पहली बार आए हैं या पेयरिंग होके आए हैं? एक बार जरा देखना, चेक करना इसे। वैष्णवी पता हाँ, नहीं बच्चों को क्या दिक्कत हो रही है। सॉरी सर सॉरी सर, बाकी सब तो ठीक था ना? हाँ बाकी सब ठीक था, तो 75 नंबर ही आया सर, बताओ ठीक है, गलती हो गई। हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहली बात देखो, जिस जो एन और एल नहीं निकाल पा रहा उसके लिए तो बहुत ही शर्मनाक बात है, जो एन और एल नहीं, क्योंकि एन क्या है मेरे पास। अच्छा ठीक है एक सेकंड, बिल्कुल सही है, सही है, ठीक है अन्वेषा, बिल्कुल सही है अन्वेषा, गुड स्वास्थिका, वेरी गुड। ठीक है अब देखो एन क्या है मेरे पास, 3, पी सब शेल है तो इसके लिए एल की वैल्यू मैंने क्या बताई है, 1, रिमेम्बर 0 के लिए S, 1 के लिए P। अब ये देखो, अब तुम्हें ये मैं देखो ये टीचर कोई बनवाते भी नहीं है, टीचर एकदम इतना हवा हवा की बातें करते हैं और मैं इतना वैसे कैसे समझा रहा हूँ बना के, तब भी पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। P के अंदर 3 रूम होते हैं और 4 लोग आ गए हैं, तो सबसे इसका मतलब 3 तो पहले अकेले अकेले आएंगे, याद आया हंस रूल के अकॉर्डिंग, फिर चौथा वाला पेयर करेगा यस और नो। तो जरा बताना अब ये रूम के नंबर क्या होते हैं, 0 प्लस 1 और माइनस 1, तो चौथा वाला इसी रूम के अंदर आया है, तो जरा बताना फिर मेरे पास m कितना हो जाएगा, माइनस वन। अच्छा और ये पहला इलेक्ट्रॉन है या पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है? पेयरिंग वाला है। और पेयरिंग वाले के लिए मैंने क्या बोला है, क्वांटम क्या हो जाएगा s वाला, माइनस का हाफ। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया क्वांटम नंबर क्या होते हैं। यस सर। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि जो n होता है, n बेसिकली नंबर ऑफ शेल को बताता है, यस और नो? यस सर। अगर मैं बोलना चाहूं तो L जो होता है वो नंबर ऑफ मतलब कौन सी सब शेल को बताता है, सब शेल के बारे में। मैग्नेटिक yes, वाला क्या बताता है जरा बताना एक बार, ऑर्बिटल कौन सी वाली ऑर्बिटल में रूम के अंदर है, राइट नहीं आया। और जो लास्ट वाला है मेरे पास स्पिन, वो क्या बताता है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब उसी ऑर्बिटल क्लॉकवाइज का मतलब अगर प्लस हाफ है या माइनस हाफ है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो दूसरा वाला ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, प्लस हाफ या माइनस हाफ, नहीं आया सन में? सन में आया भाई क्वांटम नंबर। अब देखो इसका ना सिग्निफिकेंस होता है, अब वो क्या सिग्निफिकेंस, सारे बच्चे लिख लें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस, हेडिंग डाले सिग्निफिकेंस। अब देखो कुछ फॉर्मूले वैसे वो कभी आते नहीं है, बट स्टिल यू शुड रिमेम्बर। तो देखो मेरे पास क्या है, सिग्निफिकेंस की बात चल रही है, तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में लिख लें इट आइडेंटिफाइज, सारे बच्चे लिखे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में सिग्निफिकेंस में लिखो इट, सारे बच्चे लिखे इट आइडेंटिफाइज शेल, यस सारे बच्चे लिखे एस एच ई डबल एल शेल, डिटरमाइंस साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ये सब इनका सिग्निफिकेंस है एन की वजह से। अभी बहुत सारे फॉर्मूले तुम पढ़ोगे तो उसमें एन का यूज होता है, इसलिए इट आइडेंटिफाइज शेल, डिटरमाइन साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। एंड उस एन की वजह से मैं ये भी निकाल सकता हूं कि उसके अंदर नंबर ऑफ शेल कितनी है, नीचे स्टार डाल के लिखे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनथ शेल, एक बार दोबारा बोल देंगे। हाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनथ शेल, नहीं इससे पहले आपने बोला था आइडेंटिफाइज शेल, डिटरमाइन साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल एंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth शेल व्हिच इज n स्क्वायर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे सर मुझे एक बात बताना प्यारे प्यारे बच्चों, अगर शेल के अंदर मुझे ये पता करनी हो ऑर्बिटल कितने, जरा बताओ फर्स्ट शेल के अंदर क्या होता है, एक ऐसी तो होता है एक डिब्बा राइट, दूसरी शेल के अंदर क्या होता है याद है 2s 2p, तो 2s के लिए एक डिब्बा और 2p के लिए 3 डिब्बे, यस और नो? अरे बताओ यार, हेलो मेरी आवाज आ रही है? यस सर। और 3 के लिए क्या होता है 3s, 3p और 3d होता है, यस और नो? इसका मतलब मान लो ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, तो ये इनके टोटल रूम हो गए ना, टोटल रूम की बात तो चल रही है। जरा बताओ फर्स्ट फ्लोर पे कितने रूम है, एक। तो जरा n का 1 का स्क्वायर करना कितना आया, 1 ही तो आया, एक। तो बताओ ऑर्बिटल आ गई, ठीक है। अब जरा 2 का स्क्वायर करना, 4, तो बताओ शेल आ गई, 1 2 3 4, टोटल रूम। 3 का स्क्वायर करना, 9, जरा देखो 9 शेल आ गई, 1
दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, यस और नो? इसका मतलब अगर मुझे एन पता लग जाए तो मैं ये पता कर लूंगा ना किसके अंदर कितनी कितने रूम है, फर्स्ट फ्लोर पे कितने रूम है, सेकंड फ्लोर पे कितने रूम है, टोटल थ्री पे कितने टोटल रूम है. गेटिंग इट स्नेहा? मुझे कितने शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं टोटल, तो क्या लगाओगे फॉर्मूला हमेशा एन स्क्वायर. ठीक है, ये सिग्निफिकेंस है इसका. सारे बच्चे लिखे अब सिग्निफिकेंस ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस पढ़ना है. सारे बच्चे लिखे. देखो ये डिटरमाइन शेप एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल तो हर जगह पे होता ही होता है, तो सारे बच्चे लिख लें एक बार कि मतलब इसके लिए भी सेम यही है. तो देखो अब पहली बात सबसे मेन चीज क्या है एजीमुथल वाले में, ये क्या आइडेंटिफाई करता है, सब शेल, यस और नो? ये तो इसके लिए है स्पेसिफिकली सब शेल, और बाकी ये उसकी शेप और एनर्जी भी डिसाइड कराएगा, क्योंकि एस की शेप भी पता लग जाती है उससे, ये पी के लिए भी हम इससे शेप और ऑर्बिट एनर्जी पता करेंगे. तो लिख लें शेप एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, जो कि ठीक ऊपर के लिए भी था. और लिख लेना वी कैन फाइंड आउट, या सिंपल लिखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इससे हम एंगुलर मोमेंटम पता करते हैं. वी कैन फाइंड आउट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ये सब चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा में है जो तुम्हें पता होनी चाहिए बस. तो देखो एक ना मेरे एक ना, हाँ बोलो बोलो. एनसीईआरटी में तो नहीं है ना ये? एनसीईआरटी में वैसे है नहीं, लेकिन ये एंट्रेंस में काफी आता है, एंट्रेंस का काफी फेवरेट टॉपिक है ये वाला. देखो सारे बच्चे अब देखो, जैसे बताया कोई भी अगर मान लो गोल गोल चक्कर लग रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम याद है एल इज इक्वल टू एम वी आर, तो अगर बहुत तेज कोई चल रहा है तो उसमें मोमेंटम आ जाता है, तो वो किसके बराबर होता है एल एल प्लस का वन एच अपॉन में टू पाई. तो मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि s ऑर्बिटल है, तो s के लिए मेरे पास कितना होगा, l क्या होगा, जीरो हो जाएगा. yes, sir. तो ये भी जीरो, तो क्या हो जाएगा मेरे पास h upon 2 pi हो जाएगा. yes or no everybody? so, zero क्योंकि one होगा ना, plus one है. one होगा ना, नहीं नहीं सही है, मेरे भाई, zero होगा, zero. मेरे भाई l into, हाँ, अच्छा, ये जीरो, ये भी जीरो, ये प्लस का वन और रूट वन का मतलब वन ही तो होता है पेरे पेरे बच्चे. ठीक है, और ये एच अपॉन टू पाई, तो एस के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, एच अपॉन टू पाई हो जाएगा. नहीं आ रहा समझ में सर, ये एच बाहर है ना? हाँ ये एच बाहर है, ये एच बाहर है, ये एच बाहर है, ये रूट पे नहीं है, वरना मैं रूट के लाथ लगाता. ये एच बाहर है, एच अपॉन टू पाई. ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे मान लो पी के लिए निकालना होगा तो एल क्या रखोगे, वन वन, तो टू वन जा टू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट टू एच अपॉन टू पाई हो जाएगा, हो जाएगा. अरे भाई बोल दो यार. यस सर. तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम कुछ नहीं, मैंने फॉर्मूला लिखवाया बस. We can find out orbital angular momentum root L L plus का वन और उसके रूट के बाहर h upon में 2 pi. बस वो हमला याद रखना है. जब तुम 12th में आओगे तो 12th में तुम्हें ना एक ना वो निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक ओरिएंटेशन कैसी होती है. ठीक है, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन उसे बोलते हैं, 12th में पढ़ाया जाएगा. तो सारे बच्चे लिख लें सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो एक होता है मेरे पास मैग्नेटिक मूवमेंट, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक ओरिएंटेशन. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ये n n plus का 2. ठीक है, तो ये मेरे पास होता है बोर मैग्नेट्रॉन, ये बोर ने करा था. ठीक है, तो ये एक्चुअली में देखो ये एन जो है ना मेरे पास, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ, एक सेकंड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अच्छा, ध्यान रखें, मतलब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको देख के करा गया है. तो ये एन वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. मतलब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में बोर का काफी अच्छा रोल है, तो इसलिए इसने बोला कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में इसका रोल होना चाहिए. तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका, वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक ओरिएंटेशन, और ये एन का मतलब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ये सब चीजें ना तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये सब चीजें बस तुम्हें पता होनी चाहिए अभी एज ऑफ नाउ. इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये सिग्निफिकेंस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बढ़ना आना चाहिए तुम्हें कि ये क्या होता है, बस फॉर्मूले याद रखना. ठीक है, तो बोर मैग्नेट्रॉन ने क्या बताया, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन निकाल सकते हैं. ये 12th में पढ़ोगे डी ब्लॉक के अंदर, मैं अभी डिटेल में लेना नहीं चाहता, आई बस याद रखो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताई दूंगा. और लास्ट मेरे पास है, हम स्पिन मूवमेंट भी निकाल सकते हैं. लास्ट में लिख लें सारे बच्चे, स्पिन क्वांटम नंबर में वी कैन फाइंड आउट स्पिन मूवमेंट. अभी बस ये चीजें याद रखनी है, बस इसका यूज नहीं है अभी कुछ भी. ठीक है, अभी ये सीबीएसई में नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए. मेन तो बस वही है कि वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, बस वो आना चाहिए तुम्हें. S S minus one H upon में two pi. बस ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि ये इनके significance है. ठीक है ना, याद रहेगा भाई. तो main क्या है, बस तुम्हें quantum number के बारे में पता होना चाहिए, कौन से कहाँ से किस कैसे निकाल सकते हैं, और ये बस उनका एक significance है. बस तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि इनके significance ये सब है. ठीक है भाई, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, बस फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं. नहीं है सर. कोई डाउट है किसी को क्वांटम नंबर के अंदर?
सर होगा तो बता दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर तुम्हारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आई नो बहुत लोगों के मन में है ये कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अलावा इतनी सारी चीजें पढ़ने को मिल रही है हमें। ठीक है, पता नहीं क्या क्या। चलो भाई, तो ठीक है आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? अन्वेषा, यस, साहिल, साहिल तो है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। थैंक यू सर।